हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अकोला महाराष्ट्र में हमारा एक हॉस्पिटल है, जहाँ हम मानसिक रुग्णों को रिश्तेदारों के समेत उनके साथ में हम भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और दूसरा एक हॉस्पिटल है कि जहाँ रिश्तेदारों के अलावा बिना रिश्तेदार हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। मेरे पास में काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको फिक्स्ड डेल्यूजनल डिसऑर्डर रहती है। फिक्स्ड डेल्यूजन्स मतलब विचारों का भ्रम, और वो एक फिक्स, एक पर्टिकुलर। अभी काफी बार हमको अखबार में सुना ही आता है कि कोई सेलिब्रिटी जो है, कोई सितारे जो है, तो मेरी माँ है या मैं उनका लड़का हूं, इस तरह का उनको भ्रम होता है और वो उनके पीछे लगते हैं। अभी अभी एक आंध्र प्रदेश में रहने वाला संगीत कुमार नाम का लड़का, उसने बोला कि ऐश्वर्या राय जो है वो मेरी माँ है। उसको ये भ्रम हुआ है और अपने भ्रम में, अपने विचारों में रहता है। अब ये विचार कैसे आया, क्या आ गया पता नहीं, मगर उसको एक मतलब, ये जो लोग हैं, ये मानसिक रुग्ण रहते हैं, उनको ऐसे विचारों का भ्रम होते रहता है। और ऐसा एक आधा विचार उनके दिमाग में कुछ बार ऐसा पक्का आ जाता है और उसके ऊपर वो विचार करते करते रहते हैं। इतना वो पक्का हो जाता है कि उनको वो मतलब उसका समर्थन करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, और उसके सिवा बाकी कुछ सुनने को तैयार रहते नहीं। ये ब्रेन में भेजे में जो रासायनिक प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, रसायन जो है, केमिकल्स है, उसके इम्बैलेंस से हो सकता है ऐसा कहा जाता है। ऐसा ऐसा विचार है। जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, ये जो लेवल्स है ब्रेन के हॉर्मोन्स के या केमिकल्स से, तो उनकी लेवल कम ज़्यादा होने से ऐसा होता है। ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि भाई मेरे चमड़ी के ऊपर ऐसे कीड़े चल रहे हैं। बोलते देखो कहाँ कीड़े है, बोलते देखो कीड़े हैं। तो उनको एक कीड़ों का भ्रम है। किसको ऐसा लगता है, कोई लोगों को, कि नहीं लोग है ना, मतलब मेरे पास में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वो शक्ति से मैं सब दुनिया में क्या हो रहा है मेरे को मालूम है, क्या हो रहा है और मैं जान सकता हूँ, मतलब ऐसा, इस तरह का वो बोलते रहता है। या उसको कुछ लगता है कि नहीं, लोग मेरे बारे में बात करते रहते हैं और वो करते हैं, मतलब उसको बाकी कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक ही फिक्स डिल्यूजन है कि लोग मेरे बारे बारे मतलब कोई दूर लोग खड़े हैं तो देखो मेरे बारे में बात कर रहा है, ऐसा उसको लगता है। ऐसे कोई फिक्स डिल्यूजन लोगों को रहते हैं। उसका इलाज हो सकता है, ये स्किजोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है वो उसको हो सकती है। स्किजोफ्रेनिया, जिसको हम दिमाग का मतलब अपने मन का कैंसर बोलते हैं, तो वो उसको बीमारी हो सकती है। या उसको फिक्स डिल्यूजन डिसऑर्डर करके उतना उतने पुरता ही फिक्स डिल्यूजन हो सकता है। या फिर अलग अलग तरह के विचार, मतलब ये जो लोग हैं ना, ये रैशनल नहीं रहते, उनका थिंकिंग रैशनल नहीं रहता, मतलब वास्तविकता को अनुरूप उनका थिंकिंग नहीं रहता। उनसे अपन आर्ग्यूमेंट करेंगे, उनसे उनके उनके साथ में बातचीत करेंगे, उनको पूछेंगे कि बता भाई तू ये बोल रहा है कैसा है, तो उसके पास में कोई पुरावा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और वो ऐसा मतलब अव्यवहारिक बात करते रहते हैं। उनके बातों में ऐसा लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, ऐसे अव्यवहारिक बात करेंगे। बाकी हो सकता है कि ये लोग बाकी काम धंधा बराबर करते हैं, खाना पीना बराबर करेंगे, ड्यूटी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, मगर उनको फिक्स डिल्यूजन है ऐसा। और हमको ये मालूम नहीं होता कि ये डिल्यूजन आया कहाँ से, मगर है ये स्किजोफ्रेनिया का टाइप या फिर ये फिक्स डिल्यूजन डिसऑर्डर। तो ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको अलग तरह के फिक्स डिल्यूजन्स या फिक्स मानसिक भ्रम रहता है। हमारा जो मिशन है वो है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और एडिक्शन फ्री इंडिया, व्यसन मुक्त भारत। इसमें आप भी हाथ आपका लगा सकते हैं, आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे वीडियोस हैं मानसिक बीमारी के बारे में, मोटिवेशनल वीडियो है, वो लोगों को शेयर कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर। और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।